रेडी जी, क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ जी। आप क्यों यूएस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं? आप यूके का हैदराबाद का कर लें। लता की आवाज में गा सकता हूँ, गाएं लता की आवाज में। ये फंस गए। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। ये लता कोई खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम, तमाम देखने वालों को अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। आज एक और रिएक्शन वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। खरल बाबा मीम्स के नाम से एक YouTube चैनल है, उनकी आज एक वीडियो आपसे शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत ही मज़ेदार और फ़नी वीडियोस होने वाली हैं इनकी, तो आज देखते हैं कैसी वीडियो होती है। आप भी देखिए और हम भी देखते हैं, उसके बाद हम आपसे अपना रिएक्शन और रिव्यू शेयर करेंगे। पहले गुजारिश करते चलें कि वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इसे, और हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि मज़ीद अच्छी और इंटरटेनिंग वीडियोस आप सबसे शेयर करें। सो कीप सपोर्टिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। इंडियन वर्सेस पाकिस्तानी ट्रेंडिंग मीम्स के नाम से वीडियो है, उस पर आज हम अपना रिएक्शन देंगे और देखेंगे कि आज इंडिया और पाकिस्तान में कौन से मीम्स बनाए गए हैं और उनमें क्या ट्रेंड कर रहा है। आज की वीडियो काफ़ी फनी होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। आजकल जो हमारे रिश्तेदार हैं वो तो सारे गरीब हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं लोग। छोड़ के जा रहे हैं लेकिन वीजे नहीं मिल रहे हैं ना। क्यों नहीं वीजा मिल रहा? वीजा मिलता है, प्रॉपर एजेंट हायर करें, वीजा मिलेगा, और आप थोड़ा सबर करें तो वीजा मिलेगा। आप क्यों यूएस का वीजा अप्लाई कर रहे हैं? आप यूके का हैदराबाद का कर लें। इस प्रोग्राम से बच्चों और बुजुर्गों को दूर रखें। अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं कनेड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। कनेड में? कनेड कॉलेज के आगे यूनिवर्सिटी है। अच्छा, मैंने तो एक दफा कॉन्सर्ट प्ले किया था। ओके। तो मुझे इतना मजा आया था, आई थिंक मेरे लड़कियां पागल हैं कनेड के आपके वीजा। हाँ, मुझे लगा वैसे पागल। लेकिन इंटरव्यू हुआ आपका कभी? इंटरव्यू हुआ है। किसने किया था? साहिल लोधी ने। साहिल लोधी ने? अच्छा, वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था, छोटी थी उस वक्त, मैं ज्यादा बोलती नहीं थी। कितने साल की थी? पिछले साल। बच्चों का शो था? पिछले साल। कुछ भी, कौन है, कहां से आती है? वुमन। मैं म्यूजिक में इंडियन गाने में गा सकता हूँ। अच्छा। लता की आवाज में गा सकता हूँ। गाएं लता की आवाज में। ये फंस गए। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। ये लता कोई खुश रहे? कुछ भी। अगर कायदे आजम आज के दौर में होते तो वो अभी क्या कर रहे होते? वो भी किसी ना किसी केस में अंदर होते। बात तो सही है। एक बात बताएं, आपको गाड़ी खड़ी भी पसंद है या हिलती हुई? जी नहीं, मतलब ये चलती हुई गाड़ी पसंद है या खड़ी हुई गाड़ी? नहीं, गाड़ी खड़ी हुई हिला तो मैं खुद लूंगी। अरे बाबा, कहां से आते हैं? रेडी जी, क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ जी। प्रैंक हो गया साले। तो भाई सर, चंद्रयान 3 जो रहेगा जी, चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं, लैंड कर चुके हैं, क्या लग रहा था? मौसम ठंडा हो गया। क्या बोला तूने? मौसम ठंडा हो गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या करोगे? फ्री एजुकेशन। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। फ्री एजुकेशन अच्छी बात है। आप गरीबों की मदद। अच्छा, गरीबों की मदद और कुछ? नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान पे मिसाइल छोड़ूंगी सबसे पहले। अच्छा, और अगले दिन उन्होंने हम पे छोड़ दी तो मैं तो एक दिन की पीएम थी ना, अगले दिन मोदी जी जाने। तू पैदा हुआ होगा तो तेरी अम्मी के 2-4 ऑपरेशन तो हुए होंगे कम से कम। क्यों भाई, तेरा सिर इतना बड़ा, पूरा ट्रम्बा, हर तरफ को काया फैली पड़ी है तेरी।
8,000 रुपए की टिकट मिल रही है, मैं पूछता हूँ 8,000 की टिकट मिल रही है, आप 8,000 की टिकट क्यों नहीं ले लेते? हमारे पास 8,000 रुपए होते तो हम दूसरी शादी कर लेते। बात तो सही है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्नी। ओए साहिल, ओए। हाँ। वो रोड पे पढ़ाई कर रहा है, क्या बात है? हाँ यार, साइंस ले लिया ना, और 2 साल से केमिस्ट्री में फेल भी हो रहा हूँ, इसीलिए केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है मेरे को। केमिस्ट्री में बोलता हूँ, पर इस वक्त भी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, दिखाइए बुक, दिखाइए। ये देख बे, ये तो राजनीतिक की बुक है। अब तभी सोचूं 2 साल से केमिस्ट्री में फेल कैसे हो रहा हूँ। ये थी आज की वीडियो, काफी फनी वीडियो थी, इंटरटेनिंग भी थी, अच्छी वीडियो थी, देखकर मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इंडिया और पाकिस्तान के कुछ फ़नी मीम्स थे जो कि खरल बाबा नाम के चैनल है उन्होंने बनाकर हम तक पहुंचाए हैं। तो बहुत मज़ा आया वीडियो देख के, अच्छी वीडियो थी, काफ़ी अच्छी फ़नी वीडियो क्लिप्स को जोड़कर एक अच्छी वीडियो बनाई गई थी, काफ़ी मज़ा आया वीडियो देख के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर ऐसी ही फनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वसलाम, मिलते हैं अगली वीडियो में।